ओके दोस्तों, मैं अरविंद कुमार दुबे आप सभी विद्यार्थियों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर्स में हम कुछ बात करेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि यह सब्जेक्ट बीईई बीएमडब्ल्यू जनरल इंजीनियरिंग जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, यह सब्जेक्ट चल रहा है। आप लोग इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक लेकर के प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो उसका नाम है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। हम बताएंगे आपको क्या कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल कल के लेक्चर में बताया। रेसिस्टेंस का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको क्लासिफाई किया था। इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक है, जो रेसिस्टेंस का संयोजन होता है वो बेसिकली मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। बेसिकली दो प्रकार का कनेक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? श्रेणी संयोजन। इसको हम बोलते हैं श्रेणी संयोजन। इसको बोलते हैं समांतर संयोजन। अगर हम श्रेणी संयोजन की बात करें दोस्तों, अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है इसको हम ध्यान से समझेंगे। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, देखिए जब हम मान लीजिए कि हम तीन प्रकार का रेसिस्टेंस ले रहे हैं, जब एक रेसिस्टेंस का अंतिम सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट होता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। तो क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। ये मान ली सप्लाई वोल्टेज भी है, इसमें फ्लो होने वाली करेंट क्या है? आई। ठीक है, जब किसी रेसिस्टेंस का अंतिम सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। इस बात को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब किसी रेसिस्टेंस का पहला सिरा मतलब टर्मिनल अगले रेसिस्टेंस के अंतिम सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट हो, पहले सिरे का मतलब टर्मिनल, पहले टर्मिनल से कनेक्ट हो तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से लाइन समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने जो लिखा है वही बोला है। अंतिम सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से क्या होता है? कनेक्ट होता है। इसमें आपका ध्यान देने वाली बात क्या है? मान लीजिए कि ये करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है और जब करंट आई इसमें फ्लो हो गया तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की अगर हम बात करें, इनके क्रॉस अगर वोल्टेज की बात करें तो वो क्या होगा? V1 होगा किसके बराबर? आई इंटू R1 के। इसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो ये क्या होगा? V2। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? आई इंटू R2 पे। और फिर इसी प्रकार से हम इसके क्रॉस वोल्टेज बात करें तो क्या होगा? V3 के। क्या होगा? आई इंटू R3 के बराबर। ठीक है, इसमें जो होता है करंट सेम होता है। इसमें अगर देखें जाए, इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें हम सीरीज कनेक्शन के, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसका पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इसमें करंट क्या होता है? करंट सेम होता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं करेंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टेंसेस। ठीक है,
आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, सभी रेसिस्टेंसों में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट, वोल्टेज इज एडिटिव, वोल्टेज इज एडिटिव इन ऑल रेसिस्टेंसेस, इन लिखिए ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस, मतलब इसमें जो वोल्टेज होता है V1, V2, V3 वो क्या होता है, एडिटिव होता है। टोटल सप्लाई वोल्टेज अगर आप निकालेंगे तो टोटल सप्लाई वोल्टेज इसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब इसमें कुछ बातें हैं, सर्किट पहले बना लीजिएगा, सर्किट बनाने के बाद इसमें लिखिएगा, माना तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3 ओम को निम्न प्रकार से सीरीज में जोड़ा गया है। माना इनके क्रॉस वोल्टेज V1, V2 और V3 है, इसमें बहने वाली धारा I है और सप्लाई वोल्टेज V है। जितने भी बातें मैं बोल रहा हूँ उनको आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि माना तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3 निम्न प्रकार से सीरीज में जोड़ा गया है, इनके क्रॉस वोल्टेज V1, V2, V3 है, इसमें बहने वाली धारा I है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, V है, ठीक है। मान लिया कि इनका जो समतुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, R है। इतनी सारी बातें आप लिख लेंगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन बातों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हम क्या आपको बता रहे हैं, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। सारी बातों को आपके सामने हम लिखेंगे और बताएंगे कैसे इनको लिखा जाता है, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे बुक पढ़ते हैं ना उसी को रट लेते हैं, यानी जो भी यहाँ इंजीनियरिंग है इनको केवल आपको समझना है, रटना कुछ नहीं है, केवल समझना है और जो समझे हैं वही लिखना है, ठीक है। अपने तरफ से कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि माना तीन रेसिस्टेंस R1 R2 R3 ओम के को R1 ओम R2 ओम R3 ओम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओम को निम्न प्रकार से श्रेणी में जोड़ा गया है, ठीक है, निम्न प्रकार से श्रेणी में जोड़ा गया है, ठीक है। यहां लिखेंगे फिर लिखेंगे तथा जोड़ा गया है, तथा इनके एक क्रॉस वोल्टेज वोल्टेज क्रमशः क्या है, क्रमशः V1, V2, V3 है, ठीक है। इतनी बातें आपने एजम्पशन कर लिया, ठीक है। फिर इसमें आगे लिखेंगे, यह भी माना कि इसमें आई एम्पियर की करंट मतलब क्या, धारा बह रही है, धारा फ्लो हो रही है, आप कह सकते हैं क्या हो रही है, धारा या करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और इसका सप्लाई वोल्टेज भी है। क्या मान लेंगे, ये भी माना कि इसमें आई एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है और इसका सप्लाई वोल्टेज क्या है, भी है, ठीक है। यदि इन तीनों का, मतलब इन तीनों विधानों पे जो हम प्रतिरोध रख रहे हैं, यदि इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट, समतुल्य का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, यदि इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध आर हो, तो यदि तीनों के जगह पे जो हम रेसिस्टेंस रख रहे हैं उसका मान लीजिए मान क्या है, आर है, तो क्या अब क्या होगा, ठीक है, देखना है। ये सप्लाई वोल्टेज है, इसी वोल्टेज में V1 ड्रॉप हो रहा है, V2 ड्रॉप हो रहा है, V3 ड्रॉप हो रहा है, इसमें कुछ सोचना है नहीं, ठीक है। परिपथ के अनुसार आप लिख सकते हैं इस चीज को, क्या, परिपथ के अनुसार अकॉर्डिंग टू सर्किट, ठीक है, परिपथ के अनुसार इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू
सर्किट, ठीक है, सर्किट अकॉर्डिंग टू सर्किट। यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज वी है वो क्या है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, सिंपल। इसमें कोई बहुत बड़ा बुरा गणित नहीं है, जो वोल्टेज यहाँ आपने सप्लाई दिया वही वी वन वी टू वी थ्री में क्या हो गया, बट गया है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज भी क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से जो आपका भी है ना, ये सप्लाई वोल्टेज है, यानी कि ये टोटल करंट आई और इन तीनों के जगह पे टोटल रेजिस्टेंस आर के क्या है, बराबर। आर इन तीनों के जगह पे रेजिस्टेंस का क्या मान लिया, आर मान लिया, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज भी, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया आई इंटू आर। अब V1 की अगर हम बात करें तो यही करंट I इसमें फ्लो रही, क्योंकि सीरीज में सभी करंट क्या होती है, फ्लो होती है, तो I इंटू आर वन हो गया ये। अब फिर ये क्या हो गया, I इंटू आर टू हो गया, फिर ये क्या हो गया, I इंटू आर थ्री, कलम दो सलाह में बताया ही था, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो गया, I इंटू आर, यहां से अगर I हम कॉमन ले लें तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये I से ये I कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू क्या मिला, आर वन प्लस आर टू प्लस, ठीक है। तो ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस आर। अगर तीन रेसिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री, चाहे पांच छह सात आठ कितना हो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हैं, तो जो टोटल रेसिस्टेंस आर होता है ये इनका क्या होता है, समेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन लिखे हैं यहाँ पे, कंक्लूजन लिखे हैं, कंक्लूजन लिखे हैं, अगर जिसको हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, यहां पे क्या होता है, समतुल्य जो प्रतिरोध होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, अगर इसका समतुल्य प्रतिरोध हम क्या बोलेंगे, जो इसका समतुल्य प्रतिरोध होता है, समेशन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस, क्या होता है ये, समेशन ऑफ जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं सबका क्या होता है, समेशन होता है, ठीक है। हाँ, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, सभी प्रतिरोधों का, सभी प्रतिरोधों का योगफल, क्या योगफल, जितने भी आपके सीरीज में रेजिस्टेंस है उन सभी का क्या होता है, योग होता है। तो क्या इसमें देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किताब पढ़ेंगे परेशान हो जाएंगे, उसमें दुनिया भर का बवाल लिखा है, जितना जरूरी है उतना ही बातों को आपको लिखना। सीरीज कनेक्शन होता क्या है, जब किसी रेजिस्टेंस के अंतिम सिरे को अगले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ते हैं, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सब में सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, जो भी सर्किट हमने पहले सर्किट बनाएंगे इसके बारे में पहले उसके ऊपर हम सर्किट लिख देंगे, माना देगा सीरीज में कनेक्शन, मान लेंगे क्रॉस वोल्टेज V1 V2 V3 है, मान इसमें पहले वाले ज्यादा करंट आई है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, वी है, और इनका संतुलित प्रतिरोध क्या, ठीक है। तो इस तरह से परिपथ के अनुसार हम लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज भी इक्वल टू वी1 लाइन से लिख सकते हैं, इसमें केवीएल अप्लाई करने पर, ठीक है, केवीएल, केवीएल है, अगर सप्लाई वोल्टेज सभी अलग अलग वोल्टेज ड्रॉपों के ऊपर क्या होता है, बराबर होता है, इसी को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, थोड़ा सा डिफाइन करके हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू केवीएल, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किट, इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन द सर्किट, तभी लिख सकते हैं, सर्किट के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिल गया कि सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, तो सभी का समीकरण होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग केवीएल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हम बताएंगे, यहाँ सिंपली समझिए, सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, सभी वोल्टेज ड्रॉपों के ऊपर के बराबर होता है, और अगर सेल लगाए तो उसके ईएमएफ का भी योग उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, कौन सा अलजेब्रिक सम, आगे बताया जाएगा, डिटेल बताया जाएगा, अभी यहाँ बस केवल समझिए। तो ये है आपका सीरीज कनेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी प्रकार से उसका भी सर्किट बनाएंगे, फिर उसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका एक फॉर्मूला छोटा सा क्या करेंगे, डिराइव करेंगे दोस्तों, हाँ। तो देखो, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, लेकिन अगर पुराने वीडियोज आप नहीं देखे हैं ना, उसको आप देख करके इन चीजों को देखिए, अदरवाइज चीजें समझ में आनी नहीं है, हाँ।
हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम। तो समझ में नहीं आएंगे तो आपको वीडियो बोर लगेगा, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर अटेंड करिए दोस्तों। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। उसमें इसमें तो क्या था, करंट सेम था, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में आप देखेंगे इसमें वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, करंट सेम नहीं होता है। यानी कि इसमें जो वोल्टेजेज होते हैं ना सीरीज कनेक्शन में, वो एडीटी होती है। यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ाना हो तो सीरीज कनेक्शन को हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। अगर करंट बढ़ाना हो तो हम पैरेलल कनेक्शन को प्रीफर करते हैं। इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस का समांतर संयोजन। क्या बोलते हैं इसका, प्रतिरोध का पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का समांतर संयोजन, ठीक है। चलिए पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, इसमें सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्रॉस कनेक्ट होते हैं। क्रॉस का मतलब आर पार, पहला टर्मिनल पहले टर्मिनल से, दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए तीन रेसिस्टेंस, ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2 है, ये आपका क्या है R3 है। हम तीन चार पांच कितना हो रेसिस्टेंस चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर का मतलब पहला टर्मिनल अगले के पहले टर्मिनल से, इसका दूसरा टर्मिनल अगले के दूसरे टर्मिनल से, फिर इसका पहला के अगले के पहले से, फिर इसका दूसरा अगले के दूसरे से, इस प्रकार का जब कनेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, पैरेलल कनेक्शन। इसमें वोल्टेज सबके क्रॉस सेम होता है। देखिए जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है, वही वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है, लेकिन इसमें जो करेंट होता है ना वो एडिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, वो एडिटिव होता है। इस बात को अगर आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो करंट होता है ना, इसमें जो करंट होता है वो एडिटिव होता है। यानी कि इसमें जो करंट होता है आई, वो क्या होता है एडिटिव, यानी कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होता है, ठीक है। लिख सकते हैं, देखिए रूरल करंट है, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं KCL, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट, जो करंट आ रही है उसका समेशन इक्वल टू जो करंट जा रही है उसका समेशन बराबर होता है, ये KCL है। जैसे आप करंट आगे बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, हैं? लिख सकते हैं अप्लाइंग KCL, ये लिख सकते हैं KCL का प्रयोग करने पर, ठीक है, KCL का प्रयोग करने पर जो तो, जो आपका क्या है I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो फिर जो भी बातें इससे भी रिलेटेड हैं उसको आप पहले लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि हर रेसिस्टेंस का पहला सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से, हर रेसिस्टेंस का दूसरा सिरा अगले के दूसरे सिरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज सेम होता है, करंट क्या होती है एडिटिव होती है। मान लिया कि तीन रेसिस्टेंस निम्न प्रकार से, लिख लीजिएगा इन सब बातों को, मान लिया क्या, मान लिया कि तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3 निम्न प्रकार से, क्या निम्न प्रकार से पैरेलल में क्या है कनेक्ट है। मान लिया कि तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3 निम्न प्रकार से क्या है पैरेलल में कनेक्ट है, फिर तथा इसमें बहने वाली धारा है, इसमें बहने वाली धारा है I1, I2, I3, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, माना
सप्लाई करेंट, माना सप्लाई करेंट क्या है, माना सप्लाई करेंट आई है और सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज क्या है, भी है। ठीक है, माना और इसके आगे क्या मान रहा है, और इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, और इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, इतनी सारी बातें आप पहले सर्किट से रिलेटेड जरूर लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, अप्लाइंग केसीएल इन फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाइंग केसीएल, यहाँ पे हमने केसीएल का यूज किया, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट हमने लिख दिया। फिर अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सारी बातें सर्किट से रिलेटेड जितने भी थी मैंने ऊपर लिख दिया। पहले कनेक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन आप स्वयं लिखेंगे इसके सामने, कि हर रेसिस्टेंस का पहला सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से, फिर उसका दूसरा सिरा अगले रेसिस्टेंस के दूसरे सिरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है, इसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे। और फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई क्या होता है, अगर भी बराबर ओम्स लॉ में मैंने आपको बता दिया है भी इक्वल टू आई टू आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, भी अपान आर होगा, इसमें कुछ सोचना तो है नहीं, आई इक्वल टू क्या होगा, भी अपान आर, तो टोटल करंट है ना, सप्लाई करंट है ये आई, तो आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, आप चाहें तो इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में आप पी बना दीजिए, पैरेलल का पैरेलल रेसिस्टेंस है। ठीक है, फिर आई वन, आई वन का मतलब अब इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज और फिर इसमें बनने वाली, इसमें क्रॉस का वोल्टेज और इसका रेसिस्टेंस, यानी कि क्या होगा, वी अपान आर वन, फिर यहाँ पे वी अपान आर टू, फिर यहाँ पे वी अपान आर थ्री, ऊपर आप वी कॉमन ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे वी कॉमन ले लीजिए तो वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपान आर थ्री हो जाएगा, तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपन आर थ्री इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसमें अगर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, वोल्टेज आर, या लिखेंगे वोल्टेजेज आर, या वोल्टेज इज सेम अक्रॉस, अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंसेस। ठीक है, सभी रेसिस्टेंसों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है, करेंट आर डिफरेंट, करेंट्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, करेंट ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन ऑल ब्रांचेज। ठीक है, इसमें जो करंट होता है वो सभी ब्रांचों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, अगर सेम रेसिस्टेंस हो गए तो सेम ही होगा। तो दो पॉइंट्स आप जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो पर्पज होता है, अगर हमें करंट की वैल्यू इंक्रीज करनी हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, पैरेलल रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, करेंट एडिटिव होता है, यानी करेंट की वैल्यू बढ़ती है इसमें। ठीक है, वो तो सेलों का संयोजन होता है, कि सेलों को बड़ा, सेलों से हमें अधिक वोल्टेज लेना है, कि सेलों से हमें अधिक करंट लेना है, वहाँ पे हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। अधिक करंट लेना है तो उनको पहले में जोड़ते हैं, अधिक वोल्टेज लेना है तो उनको सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलता है, अधिक करंट और उसमें अधिक वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या होता है प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो इतना ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, अब हम इसके बाद कुछ इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इस पर लगाना जान जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, तो जनरली आपको समझ में नहीं आता है कि रेसिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, आज वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बस बने रहिएगा, पूरी डाउट आपका क्लियर करूंगा कि कैसे हम रिकग्नाइज करते हैं
कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आपको नहीं समझ पाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि रेसिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो ऐसे कंडीशन को क्लियर करने के लिए ना आपको समझना पड़ता है क्या स्टार डेल्टा कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, वहां पे आपको क्या समझना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन। जहां आपको न समझ में आए कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो वहां आप क्या देखेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो फिर इसके बाद जो है, जब मैं इस टॉपिक को खत्म कर लूंगा तो देखता हूँ या तो स्टार डेल्टा स्टार्ट करूंगा या तो कैपेसिटर का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है उसको बना लेंगे जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में सिलेबस में बहुत कम कर दिया, कैपेसिटर को डिटेल नहीं दिया गया है, तो जितना दिया गया है उतना कवर किया जाएगा, उतना ही पढ़ा जाएगा दोस्तों। चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर दो रेसिस्टेंसेस इस प्रकार से अगर आपको मिल गए ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए आर वन, ये मान लीजिए आर टू। अगर दो रेसिस्टेंस इस प्रकार से मिल गए तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा आर टी, वो क्या होगा, आर वन इंटू आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कैसे आया देखिए, वन अपन आर टी टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू। तो वन अपन आर टी है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें इससे तो होगा आर वन प्लस आर टू, फिर नीचे क्या होगा आर वन इंटू आर टू। तो आर टी ऊपर चला गया तो क्या आया, आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका ओम ही यूनिट होगा। इस प्रकार से अगर दो रेसिस्टेंस आपको पैरेलल में डिवाइड, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। और रूल टू में इसका क्या है कि अगर इसमें सेम रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में आपको कनेक्ट होते हुए मिले, ठीक है, सेम रेसिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्ट होकर मिले, इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है इसका आधा होता है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू पैरेलल द रिजल्ट ऑफ दिस कनेक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज हाफ। ठीक है, क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है, हमेशा आधा होता है। जैसे आप देख भी लीजिए, वन अपन आर टी हमने डायरेक्ट इसको किया, एट इंटू एट अपन एट प्लस एट, तो हमको क्या मिलेगा, 64 अपन 60, तो क्या मिलेगा 4 ओम। देखिए इसका क्या आपका रिजल्ट हमेशा आधा आता है। तो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आप बिना यूजिंग एनी फार्मूला डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर पैरेलल कनेक्शन आपको दिया हुआ है, इफ यू वांट टू टेक इसके साथ यू कैन टेक इजीली, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट द इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हाउ डू यू फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कनेक्शन। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सम मेकअप क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दोस्तों। तो हम देखेंगे क्या कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले कि हम आपको बताएंगे कि कनेक्शन को पहचानेंगे कैसे, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, कैसे कर सकते हैं रिकॉग्नाइज, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रेसिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट होकर अगर ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, या कोई रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो करके ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आप सीधे सीधे देख लेंगे। ठीक है, अगर इसके क्रॉस की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ ऐसे हम बात कर रहे हैं, या हम मान लीजिए कि इसको हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम ऐसे अगर हम बात कर ले रहे हैं ना, अगर इस प्रकार से कनेक्शन आपको कहीं देखने को मिल रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए, इस रेसिस्टेंस का पहला सिरा, अगर इसको आर वन मानना है, इसको आर टू मानना है, इसका पहला सिरा इसके भी पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके भी दूसरे सिरे से क्या कनेक्ट है, कनेक्शन तार ही तो है, इसको उठा के ना कर दीजिए, इसको उठा के ना कर दीजिए, तार ही तो है, तो कनेक्शन आपको एक दूसरे के क्रॉस मिलेगा। तो फिर वही इनका आर टी क्या होगा, आर वन इंटू आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। ठीक है, वही चीज यहाँ भी, इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे से पहला सिरा पहले से, अगर ये आर वन आर टू है तो फिर इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाए, आर टी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। अगर आपको ये सब तरीके मालूम है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से वेरी 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 इजीली मेथड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी, अगर ये सारी चीजें ये सब कॉन्सेप्ट आपको आ रहा हो। ठीक है,
तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जिसको हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक है, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। पहले हम इजी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन के बाद हम पहुंचेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन के। ठीक है, मान लीजिए पहला सर्किट ये है, दूसरा थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लगाते हैं, थोड़ा सा हम इसमें क्या कर दिए, कॉम्प्लेक्सिटी लगा दिया। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, कहेंगे सर कोई वैल्यू ही नहीं, तो देखेंगे क्या वैल्यू हम डाल रहे हैं ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब ओम में है। अगर मैं ओम का सिंबल नहीं बनाता हूँ तो आप इसके पीछे घबराइएगा मत। ठीक है दोस्तों, 4 ओम मान लीजिए, 2 ओम ये मान लीजिए, 6 ओम ठीक है, ये मान लीजिए 2 ओम, ये मान लीजिए 8 ओम, फिर ये मान लीजिए 4 ओम, ये मान लीजिए ये मान लीजिए बी। ठीक, चलिए इसको देखते हैं, हमें फाइंड द रेसिस्टेंस एक क्लास ए बी, इसमें हम क्या कर, क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्रॉस ए बी, हमें क्या करना है, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए बी के क्रॉस समतुल्य प्रतिरोध बताइए, क्या बताइए, समतुल्य प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तो देखिए पहला, देखिए हमें ए बी के क्रॉस जानना है, यानी कि हम इधर से इधर चलेंगे। ठीक है, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर चलेंगे, इनके क्रॉस जानना, इन सब की जगह पे एक वैल्यू का क्या रेसिस्टेंस है यहाँ पे हम रख सकते हैं, फिर वही ए बी के क्रॉस जानना, यानी कि इधर से इधर नहीं, इधर से इधर चलना, इनके क्रॉस टोटल क्या हम रेसिस्टेंस डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं इसको, अब इधर हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो होगी, यानी कि इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से कनेक्ट है। ठीक है, देखिए अंतिम पहला, आप कहेंगे सर दूसरा भी तो कनेक्ट है, लेकिन दूसरा इससे कनेक्ट है, इससे नहीं कनेक्ट है। ठीक, तो जब यहां से देख रहे हैं कि जो करंट इसमें फ्लो होगी वही इसमें फ्लो हो रही है, इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से कनेक्ट है, तो बिना सोचे आप कह सकते हैं ये कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन आपका क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। तो 12 4 16, तो जब 12 4 16 हो गया, यानी कि इन दोनों के जगहों पे 16 ओम का रेसिस्टेंस होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, मिटा देंगे इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल आरटी क्या होगा, ये 12 प्लस 4। ठीक है, इसके पैरेलल में आएगा क्या 16 ओम, और फिर इसके सीरीज में आएगा क्या, फिर इसके सीरीज में आएगा क्या 8 ओम दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 12 4 16 और 16 दोनों 16 और 16 दोनों जब पैरेलल में होंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 8, तो 8 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा 16 ओम, क्या हो जाएगा ये 16 ओम। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12 4 16 16 16 का आधा हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, 8 फिर ये सीरीज में हो गए तो 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 16 ओम। तो हमने थोड़ा डायरेक्ट किया है, आप इसको चाहे तो विस्तृत भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 12 4 16 है, पैरेलल में 16 है, तो 16 × 16 फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए 32, और फिर प्लस 8, तो 16 × 32 = 8 16 8 और 8 16 ये हो गया आपका 16 ओम, ये हो गया क्या आंसर हो गया आपका।
ठीक है। अब फिर इधर से चलिए, अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो करंट इसमें वही करंट इसमें, ये इसका अंतिम इसका पहले से करंट है, सीधी बात है सीरीज में होगा। तो यहाँ आर ए बी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4+2 होगा, और 4+2 के पैरेलल में देखिए पहला पहला दूसरा दूसरा, 4+2 के पैरेलल में 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जितना आएगा इसके क्रॉस वो और ये सीरीज में होंगे, क्योंकि अब देखिए ऐसे हम एक एक स्टेप मिटाते जाएंगे, ठीक है, देखते जाइए मिटाते जाएंगे। हाँ आप स्वयं कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ये क्या हो गया 4 2 6 हो, तो 4 2 6 ओम क्या हो गया यहाँ पे सीरीज में हो गया, 4 और 2 ओम क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो ये क्या हो गया 4 और 2 ओम सीरीज में हो गया। तो अब यहाँ से इनके जगह पे हम क्या लिख देंगे, इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे 6 ओम लिख सकते हैं। तो आप तो 6 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में हो गए, जिनका आधा आ जाएगा 3 ओम, ठीक है 3 ओम आ जाएगा, और फिर 3 ओम और 2 ओम क्या हो गया 5 ओम हो गया, ठीक है 3 ओम और 2 ओम, क्योंकि आएंगे क्या ये सीरीज में आएंगे ना, 3 ओम और 2 ओम क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, 5 और 8 पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। कैसे आ रहे हैं ये सारे स्टेप आप देखते जाइए, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसको हम 5 कर दें तो आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है देखते जाइए। तो 4 और 2 6 ओम हुआ ना, तो 6 ओम आप एक जगह पे लिख दीजिए, चाहे यहाँ पे लिखिए और चाहे यहाँ पे लिखिए, हमने इन दोनों के जगह पे 6 ओम लिख दिया। अब देखिए इसका पहला इसके पहले से दूसरा, तो 6 ओम 6 ओम क्या हो गए पैरेलल हो गए, तो जब पैरेलल हो गए तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 3 ओम, तो एक जगह पे 3 ओम लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए 3 ओम, ठीक है। अब देखिए जो करंट इसमें वही करंट इसमें, इसका अंतिम इसके पहले से, तो 5 और 3 किसमें हो गया सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हो गया तो चाहे 1 ओम यहाँ लिखिए चाहे 1 ओम यहाँ लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप इसको 5 और 3 का सीरीज में हो गए, तो इनका 8 ओम इक्विवेलेंट आया, तो इसको 8 ओम यहाँ लिख दीजिए। अभी देखिए दोनों पैरेलल में हो नहीं हुए, जब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 4 ओम आएगा। अब 4 ओम आएगा तो चाहे आप 4 यहाँ लिखिए चाहे आप 4 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों सीरीज में आ गए तो क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। इसी बात को चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप करके तुरंत लिखिए, तो आप लिख रहे हैं तो समझ नहीं रहे ना, इस सारी बातों को आपको नीचे ऐसे ही लिख करके क्या करना होता है लगाना होता है, ठीक है। तो आप क्या देखते थे क्या क्या था यहाँ पे 6 ओम 6 ओम आपके पहले सीरीज में आए थे, तो टोटल आर ए बी अगर हम देखेंगे तो 6 ओम 6 ओम का क्या था 3 था, फिर यहाँ पे 5 ओम था, तो 5+3+5 सीरीज में था, और फिर यहाँ बगल में 8 ओम पैरेलल में थे, ठीक है। तो और फिर इसके सीरीज में आपका क्या था 4 था, तो वही चीज बाकी 8 का 4 हो गया, 4+4 कितना हो गया 8 ओम, ठीक है देख लीजिएगा ना उसको तो मैंने मिटा दिया हूँ, देख लीजिएगा डाटा। तो ऐसे करके आप इनको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर ये 4 ओम में आ रहा है तो जोड़ करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्या पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताया, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के डाटा थोड़ा देख लीजिएगा, मैं तो मिटा दिया इसलिए लिख दिया, देख लीजिएगा जो डाटा होगा वही लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पूरा डिटेल सॉल्व करके बताया, तरीके से बताया, अब थोड़ा इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम बात करेंगे, लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आप पढ़ेंगे वो इस चैनल इस लेक्चर्स में नहीं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डील करेंगे। इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं दे भी देता हूँ, जिसको आप समय साल पर के ले आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप तरीका अगर आपको मालूम हो गया, तरीका अगर आप हैंडल कर पा रहे हैं तो ये जान लीजिए, अगर आपको तरीका मालूम हो गया तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क रहेगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको तरीका मालूम नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन एनी हाउ, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे चाहे कुछ भी कर लीजिए, है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या तरीके हैं जिसको आप यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये है। कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैं आप मूल के सॉल्व कर लूँगा, लेकिन मैं इतना आसान आपको नहीं दूंगा, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी डाटा ऐसा दूंगा जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाए,
ठीक है। अच्छा बारह छः छः बारह छः फिर सिक्स इसको भी टू लेते सब ओम में है, सब ओम में है। कहें देखने में बेटा एक कंप्लीट लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। हाँ बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी मान लीजिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। इसमें भी वही चीज वही क्वेश्चन ए बी के अक्रॉस क्या करना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा इसको और आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।